आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वाच्य। हिंदी में वाच्य कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वॉइस, जिसे आप जानते हो पैसिव वॉइस के नाम से, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। वैसे ही हिंदी में प्रोसेस है कि हिंदी में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं और भाववाच्य कैसे बनाते हैं। लेकिन ये बनाने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया दूसरी बात है। इससे पहली बात है हमारी कि वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। देखिए वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य एक वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं वाच्य, वो सुन लीजिए कि क्रिया, क्रिया के जिस रूप, क्रिया के जिस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता कर्म, कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार है, किसके अनुसार है, किसके अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य, वाच्य की महत्ता क्या होती है, वाच्य क्या महत्व रखता है क्रिया में, वो देखिए कि वाच्य के माध्यम से, वाच्य के माध्यम से क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का उद्देश्य पूरा होता है, क्रिया का उद्देश्य पूरा होता है। यानी वाक्य में क्रिया जिस उद्देश्य से प्रयुक्त की जा रही है वह उद्देश्य वाच्य के माध्यम से पूरा हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे गीता पान खाती है, गीता पान खाती है, रमेश ने साइकिल खरीदी, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखिए वाच्य की परिभाषा और उसके उदाहरण देखिए। ये वाच्य की परिभाषा होगी आपकी और ये आपके तीन उदाहरण होंगे। गीता पान खाती है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया है, देखिए क्रिया के उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती है, क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, क्रिया का उद्देश्य होता है कि कर्ता के द्वारा जो कार्य है उसका, कर्ता का जो कार्य व्यापार है वह पूर्णतः हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, अथवा क्या कार्य व्यापार है, किस आधार से है। तो यहाँ क्रिया की मुख्यता रहती है और क्रिया की मुख्यता ही हमें वाच्य की पहचान कराती है। कैसे कराती है, क्रिया,
का संबंध यदि कर्ता से है, क्रिया का सीधा संबंध या प्रभाव कर्ता पर है तो कर्तृवाच्य वाक्य हो जाएगा, और यदि क्रिया का सीधा संबंध या सीधा प्रभाव कर्म पर है तो कर्मवाच्य वाक्य हो जाएगा, और अगर क्रिया का सीधा और सीधा संबंध और प्रधान प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों की अपेक्षा या दोनों को छोड़ करके किसी अन्य भाव अभाव असमर्थता आदि को व्यक्त करता है तो वो क्या है, भाववाच्य हो जाता है। इसी आधार से हम देखें कि वाच्य के भेद, भाई यहाँ पर क्रिया है स्त्रीलिंग है एक वचन है, कर्ता स्त्रीलिंग है एक वचन है, तो ये क्या हो गया कर्तृवाच्य। यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ता क्या है पुल्लिंग एक वचन, और कर्म क्या है भाई, क्या खरीदा जा रहा है साइकिल। भाई देखिए कर्ता कर्म और क्रिया, वाक्य में कर्म की जो पहचान है तो कर्म की पहचान कैसे की जाती है, या आपको बता दूँ थोड़ा सा कि जब हम कर्ता के द्वारा, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा क्रिया पर प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न कैसे करते हैं, क्या किसको, इन दो प्रश्नवाचक शब्दों से जब हम कर्ता से क्रिया पर प्रश्न करते हैं तो इनका जो उत्तर आता है, इनका जो उत्तर आता है वही क्या है कर्म है। ये होती है कर्म की पहचान वाक्य में, कहने का मतलब वाक्य में क्या किसको प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया वो कर्म मिल गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग एक वचन और कर्म भी क्या है स्त्रीलिंग और एक वचन, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब यहाँ पर हम देखें तुमसे पढ़ा नहीं जाता है, ना तो यहाँ पर कर्म है और ना ही करता है। यहाँ पर हम देखें कि भाई इसमें से परसर्ग जुड़ा हुआ है, कारक चिन्ह से, तृतीय विभक्ति करण कारक है, ये तृतीय विभक्ति करण कारक, तो यहाँ कर्ता नहीं है कर्म भी नहीं है। अब ये कह रहा तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर इसकी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है, किसको, असमर्थता का भाव, असमर्थता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाववाच्य। अब देखिए वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर एक वो मैं आपको उदाहरण में बता चुका हूँ समझा करके, फिर भी देख लीजिए, नंबर एक हो गया आपका कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य, और तीसरा हो गया आपका भाववाच्य, ठीक है, ये आपके वाच्य के भेद हो गए।